दोस्तों, गाय इस समस्त संसार की माता स्वरूप है। गाय में ही सभी देवी देवताओं का निवास है। गौ की सेवा करने से समस्त संसार की सेवा का पुण्य मिलता है। अगर कोई मनुष्य गौ की सेवा करता है तो उसके सभी जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे पुराणों के अनुसार गाय माँ कामधेनु का रूप है। कामधेनु माता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इनकी पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का पुण्य मिलता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, गौ माता की कृपा पाने के लिए मनुष्य को उन्हें कौन सा फल रोज खिलाना चाहिए जो माँ कामधेनु को अत्यंत प्रिय है। गौ माता के सिंगों के अग्रभाग में साक्षात जनार्दन विष्णु स्वरूप भगवान वेदव्यास रमन करते हैं। इसलिए जब भी आपके द्वार पर कोई गौ आए तो उसके माथे पर सर लगाकर उन्हें नमन करना चाहिए। गौ माता के सिंगों की जड़ में देवी पार्वती और सिंगों के मध्य भागों में भगवान सदाशिव विराजमान रहते हैं। इसलिए गौ माता के सिंगों के जड़ में कुमकुम लगाकर माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए और सिंगों के मध्य में इबित लगाकर महादेव की पूजा करनी चाहिए। गौ माता के मस्तक में ब्रह्मदेव, कंधे में बृहस्पति, ललाट में भगवान शंकर, कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। इस प्रकार से गाय की सेवा करने से आपको सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ माता के दांतों में समस्त ऋषिगण, जीभ में माँ सरस्वती तथा वक्षस्थल में एवं पिंडलियों में सारे देवता निवास करते हैं। गौ माता के खुरों के मध्य भाग में गंधर्व, अग्र भाग में शेषनाग तथा पिछले भाग में मुख्य अप्सराओं का स्थान है। गौ माता के पीछे के भाग में पितृगणों का तथा भ्रुकुटी मूल में तीनों गुणों का निवास बताया गया है। गाय के रोम कूपों में ऋषिगण तथा चमड़ी में प्रजापति निवास करते हैं। गौ के उसके थुए में नक्षत्रों सहित श्रुतिलोक, पीठ में यमराज, अपार देह में संपूर्ण तीर्थ एवं गौमूत्र में साक्षात गंगा जी विराजती है। इस प्रकार से गाय के शरीर में समस्त देवी देवताओं का निवास है। गाय को पानी से नहलाकर उन्हें रोटी खिलानी चाहिए। पुराणों के अनुसार गाय को प्रतिदिन केला खिलाने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। केला भगवान विष्णु का अति प्रिय फल है। इसे गौ माता को खिलाने से व्यक्ति के जीवन से दुख, दारिद्र्य, क्लेश दूर होते हैं। इसलिए द्वार पर आई गाय को रोज केला अवश्य खिलाए। आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और धन की वृद्धि होगी। इसलिए अगर आपकी भी द्वार पर कोई गाय आती है तो उसे मारकर बिल्कुल भी ना भगाए। द्वार पर आई गौ माता की पूजा करें, उन्हें रोटी अवश्य खिलाए और अगर हो सके तो रोज केला भी अवश्य खिलाए। ऐसा करने से माता कामधेनु की कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है और मनुष्य जीवन में कभी भी आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना नहीं करता। धन्यवाद।